हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नया वेरिएंट के साथ आए हैं टाटा टियागो का। आज हम रिव्यू करेंगे। जो ऑटोमेटिक मॉडल है XZA मॉडल, उसके ऊपर हम रिव्यू करेंगे। आप जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग बताते हैं आपको EMI कितना आ जाएगी, आपको डाउन पेमेंट कितना आ जाएगी, आपको ऑन रोड प्राइस कितना आ जाएगी आपके शहर में। तो अगर जानना है आपके शहर में आपको प्राइस कितना आता है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इससे पहले द ऑटो ब्लॉग चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं टाटा टियागो XZA मॉडल का रिव्यू। टाटा टियागो XZA मॉडल ऑटोमेटिक मॉडल है। उसका एक अपर वेरिएंट भी है, टाटा टियागो XZA प्लस मॉडल। और अगर आप ओनली ऑटोमेटिक लेना चाहते हो टाटा टियागो XZA मॉडल की, देन आप ले सकते हो। इसका इंजन वही 1199 cc, मतलब 1200 cc का है। 3 सिलेंडर इंजन है, रेवोट्रॉन 1.2 लीटर इंजन। मैक्सिमम पावर आपको ये जनरेट करके देती है 84 bhp, और आपको 113 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रदान करती है। उसके बाद चलते हैं उसके प्राइस के ऊपर, प्राइस आपको कितना आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइस जो है उसका एक्स शोरूम प्राइस आपको आ जाएगी 6,20,000 रुपये। उसके बाद जो RTO आपको देनी होगी वो होगा 54,958 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 54,958 रुपये आपको देनी पड़ेगी RTO की। दोस्तों उसके बाद इंश्योरेंस जो आपको आ जाएगी 26,169 रुपये, 26,169 रुपीज़। देन आपको लॉजिस्टिक जो उसका है देनी पड़ेगी आपको 6,490 रुपये। उसके बाद फास्टैग जो है आपको देनी पड़ेगी 500 रुपये, और जो ऑन रोड प्राइस है आपको आ जाएगी 7,08,117 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 7,08,117 रुपीज़ आपको आ जाएगी ऑन रोड प्राइस। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटी में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। उसका ऑन रोड प्राइस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आपके शहर में आपको कितना ऑन रोड प्राइस आती है तो आपको जानना है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत सारे दोस्तों का कॉमेंट आया था AMT जो मॉडल है, ऑटोमेटिक मॉडल है, उसके ऊपर रिव्यू करने के लिए, तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं EMI के ऊपर। EMI आपको कितना आ जाएगी अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो। सबसे पहले आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी 1,50,117 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1,50,117 रुपीज़ आपको देनी पड़ेगी उसका डाउन पेमेंट। उसके बाद आपको अगर कार लोन लेते हो तो 5 साल के लिए आपको लोन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए ही है, आप चाहे तो 6 साल 7 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लोन का जो टेन्योर है आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल है 5 साल के लिए होता है, तो मैं 5 साल के लिए ही बोल रहा हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट रेट आपको देनी पड़ेगी 9.5% आपको देनी पड़ेगी इंटरेस्ट रेट, ROI जिसको बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन आपको सबसे जो अहम चीज़ है इस वीडियो का, EMI जो है उसको आपको आ जाएगी 11,719 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 11,719 रुपीज़ आपको आ जाएगी इसका EMI। तो अगर आप टाटा टियागो XZA मॉडल लेते हो, ये बहुत ही बढ़िया मॉडल है, और टाटा टियागो का सेफ्टी रेटिंग बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन है। अगर ये कार लेते हो आप, उसमें आप ऑटोमेटिक वारंटी भी मिल जाता है, 7 लाख प्राइस ही आती है आपको। EMI सिर्फ 11,000-12,000 तक देनी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया मॉडल है। अगर आपको आपके शहर में एक शोरूम प्राइस या ऑन रोड प्राइस या EMI आपको जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, हैव ए सेफ ड्राइव।